हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 7 इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट होगा। आगे के दोनों लेक्चर्स भी क्या होंगे, रैशनलाइजेशन के ही होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग रैशनलाइजेशन का बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और आगे आने वाले बाकी के 2 लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर और बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में ये लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो आप लोग पहले इससे पहले के लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन, जिसका ये 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रैशनलाइजेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो देखो, रैशनलाइजेशन का सिंपल मीनिंग ऐसे मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा है, वो इरेशनल नंबर है। भाई एक नंबर है वो पूरा इरेशनल है, उसका डिनोमिनेटर भी इरेशनल है। हमारा मेजर फोकस ये है कि हमारे को उसके डिनोमिनेटर में से इरेशनलिटी को रिमूव करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो देखो, मैं इसका पहले मैं यहाँ पे जो रैशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसमें हम केवल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का ही क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। न्यूमिनेटर का ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखो, इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पे 4-5 डिफरेंट टाइप के केस बनाए हैं, चारों पांचों डिफरेंट केसेस को समझते हैं उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ध्यान से सुनना, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है रिमूव इरेशनैलिटी फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में से, जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, यहाँ पे 1/√2 दे रखा है। यहाँ रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पहले बात तो डिनोमिनेटर है एक, ठीक है, और डिनोमिनेटर होने के साथ में ही ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें क्या करना, इरेशनल नंबर है मतलब इसके ऊपर इसके अंदर इरेशनैलिटी है, हमें इस इरेशनैलिटी को क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब हमें यहाँ से, सिंपल शब्दों में बोलो तो यहाँ से 2 का जो रूट दे रखा है, रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन को यहाँ से हटाना है। और अगर हमने हटा दिया तो हमने क्या कर दिया, उसका रैशनलाइजेशन कर दिया। तो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स से इरेशनैलिटी को रिमूव करते हैं। आई होप इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, लेकिन करते कैसे हैं, वो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। भाई इस रूट टू में से हमें रूट को ख़त्म करना है यहाँ से, तो ये कैसे किया जाएगा वो ध्यान से समझना। 4-5 डिफरेंट केसेस को समझते हैं और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, जैसे 1/√a कुछ भी हो सकता है a के अंदर, बस ध्यान रखना a क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये रूट है, यहाँ पे इरेशनलिटी है अभी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ए एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन परफेक्ट है इसीलिए इरेशनल है। अगर ये ए की जगह पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, कोई 4 होता, तो रूट 4 कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ए पॉजिटिव है, हमें यहाँ से रूट ए से ए हटाना है, सबसे मेजर काम हमारे को ये करना है। तो देखो, हम लोगों ने इससे लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कैसे भी करके मैं रूट ए का स्क्वायर बना दूं, यहाँ पे जो रूट ए है ना, इसका कैसे भी करके स्क्वायर बना दिया जाए, तो हमने पढ़ा था कि रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है। हमारा मेजर काम यही तो था कि रूट को रिमूव करना था। तो यहाँ पर देखो, जो रूट है जिसको हम यहाँ स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा। तो अब अपने मन से ऐसा तो नहीं करेंगे, इस पूरे नंबर को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिससे इसके इस नंबर पे कोई फर्क भी नहीं पड़े और नीचे स्क्वायर भी बन जाए। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग यही तो है। तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा,
ए बन जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन मैंने नीचे रूट ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर ही बदल गया। तो अगर मैं सेम इससे ही क्या कर दूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो रूट ए से रूट ए कट जाएगा, वापस से क्या बचेगा, वन अपॉन रूट ए बच जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो अब क्या होगा, देखो वन को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए बचेगा, और नीचे रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या यहाँ से इरेशनैलिटी रिमूव हो चुकी है क्या डिनोमिनेटर में से? भाई डिनोमिनेटर में से रूट ही तो रिमूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में से रूट रिमूव कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कभी भी कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है तो जो भी रूट का नंबर दिया हुआ है उससे क्या करो, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ऐसा हो तो क्या करें, तो जैसे यहाँ पे तो इरेशनैलिटी नहीं है लेकिन इस वाले पार्ट में है, ऐसे यहाँ पे इस वाले पार्ट में है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, फिर यहाँ दोनों पार्ट्स में ही क्या है, इरेशनैलिटी दी हुई है, यहाँ और यहाँ दोनों पार्ट्स में क्या दी हुई है, इरेशनैलिटी दी हुई है। तो इनको कैसे रिमूव किया जाएगा उसको समझते हैं। तो देखो इस वाले चीज को मैंने यहाँ नोट कर दिया, तो आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपने क्या किया, इरेशनैलिटी को रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था, रूट ए से। तो यार रूट ए को क्या बोला जाता है, रैशनलाइजेशन फैक्टर या रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। आई होप आप लोगों को ये नाम याद रहेगा, या तो रैशनलाइजेशन फैक्टर बोल दो या रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है। किसको, जिसको तुमने मल्टीप्लाई किया था इरेशनैलिटी को रिमूव करने के लिए या रैशनल बनाने के लिए, तो उस वाले नंबर को क्या बोला जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर या रैशनलाइजेशन फैक्टर बोला जाता है। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करें, तो अभी मैंने यहाँ पे तो आप लोगों को बताया कि स्क्वायर कर दो तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्या स्क्वायर करने, जैसे अब अगर हम इसका भी स्क्वायर करने की कोशिश करें, स्क्वायर करने का मतलब है सेम इधर इससे ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखते हैं कि क्या बनता है। कि अगर स्क्वायर करने से भी ये, भाई हमारा मेजर काम है कि रूट बी से रूट को हटाना है और नीचे किसी के ऊपर भी रूट नहीं रहना चाहिए। तो बी के ऊपर से रूट हटाने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि भाई जैसे कोशिश करते हैं कि इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर करने से देखा रिमूव होती है या नहीं होती, यहाँ करके देखते हैं। तो हम क्या करें, ए प्लस रूट बी को ए प्लस रूट बी से ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो देखो ये दोनों सेम है तो इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो होल स्क्वायर में क्या होता है, तो ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज लिख दी है, इनमें से कोई सी भी यूज होगी तो हम यहाँ से देख के यूज कर सकते हैं, और ये आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। चैप्टर सेकंड में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके प्रूफ्स भी देखने वाले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये आप लोगों ने एट्थ में भी पढ़ी थी। तो देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर ए होगा, बी की जगह पे कितना है, रूट बी का स्क्वायर प्लस टू ए, और बी की जगह पे रूट बी है। जब आगे सोल्व किया तो देखो ए स्क्वायर, भाई इसका तो ए का तो रूट है नहीं, रूट बी का स्क्वायर करा तो यहाँ से भी रूट हट गया, यहाँ पे क्या बन गया, टू ए रूट बी, टू ए रूट बी। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हमारे को यहाँ रूट दे रखा था, हमने इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश की लेकिन फिर से कहीं ना कहीं वापस क्या आ गई, इरेशनैलिटी आ गई। इसका मतलब है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये काम तो नहीं कर सकते कि इसका स्क्वायर बना दे, यानी इसको हम लोग a प्लस रूट बी से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए हमें देखो एक तरीका सोचना पड़ेगा, भाई हमें केवल रूट बी से ही तो रूट हटाना है, यही तो हमारा मेजर काम है। तो अगर कुछ ऐसा बने कि केवल किसका स्क्वायर हो जाए, रूट बी का स्क्वायर, इसका भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर रूट बी का स्क्वायर हो जाए केवल, बाकी पार्ट का स्क्वायर हो या नहीं हो, इसका हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट बी से रूट हट जाएगा। तो क्या करें, तो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर मैं इसी को क्या करूं, इसके ओपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, इसके ओपोजिट साइन पे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, a माइनस रूट बी बन जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो यहां ये आइडेंटिटी बन गई क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई में कैसे भी लिखा जा सकता है, प्लस और माइनस वाला, प्लस और माइनस वाला। जैसे ही ये आइडेंटिटी बनती है तो होगा क्या, कि यहाँ ए का भी स्क्वायर होगा माइनस रूट बी का भी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर बी। क्या अब इस वाले रिजल्ट में किसी भी नंबर के ऊपर इरेशनल मतलब रेडिकल साइन आ रहा है क्या,
आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो किसी में भी रूट वाला मतलब रूट वाला साइन नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर क्या हो गया, अब इरेशनल नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, रेशनल बन चुका है। तो यानी कि हमें यहाँ से अभी समझ में आता है कि अगर कहीं पे प्लस में दिया हुआ है ऐसा ए प्लस रूट बी टाइप का कुछ भी, तो इससे इरेशनलिटी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मैं यहाँ कर देता हूँ आगे वाले स्टेप में, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए माइनस रूट बी से। अगर नीचे ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेंज नहीं आना चाहिए इस नंबर में, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, देखो नीचे तो बन जाएगा कितना, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और ऊपर इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ए माइनस रूट बी। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ऊपर तो ए माइनस रूट बी हो गया और नीचे क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, ओनली बी। तो हमारा काम मेजर काम यही था भाई, नीचे से रूट बी से रूट हटाना था, वो हमने हटा दिया और इससे कोई चेंज भी नहीं आया क्योंकि इससे ये कट के वापस से क्या बन जाएगा, यही पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये इस डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी को रिमूव किया हमने, तो ये क्या कहलाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर या रैशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कहीं पे a प्लस रूट भी दिया हुआ है तो उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, a माइनस रूट भी। अब इस वाले को करके देखते हैं, तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखो तो यहाँ देखो इसको, इसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे a प्लस रूट भी था ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी जो ऊपर लिखा था मैंने उसको, तो a प्लस रूट भी है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर b हो जाएगा और 2a रूट बी। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, a प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करें a माइनस रूट बी से, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। तो हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, ये वाला तरीका फॉलो करेंगे ना कि ये वाला। तो पहले वाले केस में तो क्या करना था, ये तरीका फॉलो करना था, इसमें ये तरीका फॉलो नहीं करना, कौन सा तरीका फॉलो करना, ये वाला तरीका। अब देखो यहाँ बीच में माइनस आ गया, तो दिमाग में बिठा लो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे केवल बी का रूट बने, बी का रूट रिमूव हो। तो यहाँ माइनस है, तो अगर हम इसको क्या करें, a प्लस रूट बी से न्यूमिनेटर को और a प्लस रूट बी से ही डिनोमिनेटर को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, देखो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फिर बन गया, तो ऊपर तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस रूट बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना होगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा किसका, इसका, ध्यान रखना ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे ए का भी रूट है बी का भी रूट है, मतलब कुछ ऐसा बनाना है कि ए का भी स्क्वायर हो जाए बी का भी स्क्वायर हो जाए, तो सेम वही काम करो, ऑपोजिट साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, देखो रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो न्यूमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी ऑपोजिट साइन से, तो इससे फायदा क्या होगा, नीचे क्या हुआ देखो, ऊपर तो हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे क्या हुआ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप चाहो तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो रूट ए माइनस रूट बी और नीचे क्या आएगा ए माइनस बी, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर तो ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, बीच का माइनस आएगा ये वाला साइन। आई होप आप लोगों को ये सारे केसेस समझ में आ रहे होंगे, अभी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा, किसका, इसका, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव आ गया तो हमें किससे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो बनेगा रूट ए प्लस रूट बी, एक से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ किसका, रैशनलाइजेशन फैक्टर
ऑफ रूट ए माइनस रूट बी। तो दिमाग में बिठा लो कि करना क्या है, ऑपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ, और अपने आप ही क्या हो जाएगा, इरेशनलिटी रिमूव हो जाएगी। होल स्क्वायर क्यों नहीं किया हमने, इसका भी कारण मैंने बता दिया, क्योंकि आगे सोल्व करने पर वापस से क्या बन रही थी, इरेशनलिटी बन जाती थी, इसलिए हम उस मेथड से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी केसेस आप समझ में आ गए होंगे, अब बस हमारे को इनके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अभी आने वाले जितने भी मतलब दो पार्ट्स आने वाले, दोनों पार्ट्स, सेकेंड और थर्ड पार्ट और आगे की स्लाइड, सभी के ऊपर हम केवल क्वेश्चंस करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन हम इन तीनों लेक्चर्स में आप लोगों को अच्छे से करवा दिए जाए। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, नीचे रूट फाइव दे रखा है। अब ध्यान रखना यहाँ पे अभी वन था तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अभी थ्री है तो वो थ्री चलेगा, रूट फाइव दे रखा है तो इससे इरेशनलिटी को हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी को रिमूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे रूट फाइव है तो हम क्या कर दें, इसको रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, रूट फाइव से ही डिवाइड कर दे, या तो ऐसे बोला जा सकता है इसको कि रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, या न्यूमिनेटर को भी रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलने का तरीका है बस ये, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा थ्री रूट फाइव और नीचे रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव, देखो नीचे से रूट हट गया, हमारा काम यही तो था, रेशनलाइज करना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे टू से तो हमें कुछ नहीं करना, टू तो टू ही चलने दो, बस रूट फाइव को हटाना है, तो रूट फाइव से क्या कर दे, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा थ्री रूट फाइव और नीचे कितना हो जाएगा, देखो रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव आएगा, फिर फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, टेन आ गया। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ऊपर रूट दिया हुआ, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस नीचे का रूट हटाना है। तो नीचे रूट थ्री है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट थ्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाता है, रूट थ्री या रूट फाइव या रूट फाइव, ये क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, रूट थ्री पहले इससे भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान नहीं रखते कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई, ये पूरा कंप्लीट एक सिंगल टर्म है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो। तो इसका भी हमने रूल पढ़ा है कि रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री करना है, दोनों की ऑर्डर सेम है तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, कॉमन रूट लगा सकते हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट सिक्स प्लस, फिर रूट फाइव को भी रूट थ्री से करेंगे तो रूट फिफ्टीन, और नीचे कितना बन जाएगा, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो क्या है कि जब भी कभी रेशनलाइजेशन करना होगा तो हमेशा ऑपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे इसका जो ऑपोजिट साइन होगा वो इसका क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। अगर इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करना हो तो वो ये होगा, और इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ये होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम रेशनलाइजेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करके देखते हैं, जिससे कि अभी हमने जो सीखा है वो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो सेम क्वेश्चन है, वही उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। लास्ट स्लाइड पे जो मैंने तीन क्वेश्चंस लिखे थे उसमें से फोर्थ क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने में नीचे रूट टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा, रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा और आगे यही बचेगा वापस। अब इससे होगा क्या, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट टू को अब ध्यान से देना, ध्यान देना है पे, रूट टू को रूट थ्री से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट टू को वन से भी, रूट टू को रूट थ्री से करना पड़ेगा तो रूट सिक्स हो गया, प्लस रूट टू को वन से करना पड़ा तो रूट टू होगा, फिर नीचे रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू। तो यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो नीचे रूट फाइव है, हमें केवल डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे,
नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट फाइव से, तो ऊपर तो क्या हो गया रूट टू और रूट फाइव हो जाएगा, रूट टेन हो जाएगा, और नीचे रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू टू थ्री प्लेसेज ऑफ द डेसिमल, हमारे को क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चन को सोल्व करके इनका रिजल्ट निकालना और डेसिमल के आगे तीन प्लेसेस तक करना है, मतलब डेसिमल के बाद में तीन डिजिट्स आने चाहिए, उसके आगे नहीं करना है हमारे को। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड गिवन रूट टू बराबर इतना दे रखा है, रूट थ्री बराबर इतना है, रूट फोर फाइव इतना है, रूट टेन इतना है। एक्चुअल में जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इनकी वैल्यू जो भी है बनेगा वो यूज होगा। तो देखो, एक तो तरीका है कि रूट थ्री की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितनी है 1.732 यहाँ पुट की, वो टू में डिवाइड करने बैठ जाओ। तो अगर वो करने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। देखो कि डेसिमल वाले नंबर को हटाओ, फिर ऊपर तीन जीरो लगेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख के डिवाइड करने बैठोगे, फिर इतने की टेबल बोलने बैठोगे। तो इससे अच्छा है एक काम करते हैं हम लोग, इन सबको ये वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले इन सबका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो देखो, रैशनलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होगा वो अभी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई रूट थ्री और नीचे भी रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, तो ऊपर कितना बन गया टू मल्टीप्लाई रूट थ्री और नीचे बना थ्री। अब हमें केवल लास्ट में देखो जो भी रिजल्ट आएगा ना ऊपर का, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, ओनली थ्री से। तो हम अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो दो मल्टीप्लाई रूट थ्री की वैल्यू है 1.732 डिवाइड बाई थ्री। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन का फोर आएगा, कैरी वन आ जाएगा, टू वन जा टू और वन थ्री, और नीचे कितना है थ्री। अब थ्री से डिवाइड करना है, तो देखो थ्री वन जा थ्री, फिर डेसिमल आ गया, फिर थ्री वन जा थ्री, बचा कितना वन, फिर सिक्सटीन हो गया, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिर वन बच गया, फिर थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया, फिर टू बच गया, फिर आगे क्या होगा, आगे तक हमें आगे सोल्व ही नहीं करना, हमारे को तो क्या है लाना है डेसिमल के तीन प्लेसेस तक निकालना था। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1.154। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको करते हैं, तो इसमें भी क्या करें, सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर लो। तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई रूट टेन डिवाइड बाय रूट टेन मल्टीप्लाई रूट टेन, तो ऊपर तो हो गया थ्री रूट टेन, नीचे हो गया ओनली टेन। तो देखो ऊपर थ्री मल्टीप्लाई रूट टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.162 और नीचे कितना है 10 चल रहा है। तो इस 10 से आगे हम लोग डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट छोड़ के। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू जा 6, 3 8 जा 18, 1 3 1 जा 3 और 1 4.33 जा 9। और यहाँ पे क्या है नीचे 10 है, तो 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना 0. यहाँ लिख देता हूँ 0.948, इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि अगले वाले डिजिट को हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले को करते हैं, तो देखो वही रूट टू से मल्टीप्लाई करना है पहले दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को। तो ऊपर रूट टू पहले रूट टू फाइव से भी होगा तो रूट टेन बन जाएगा प्लस, फिर रूट टू वन से होगा तो रूट टू बन जाएगा, नीचे रूट टू और रूट टू कितना हो गया टू हो गया। अब रूट टू टेन की वैल्यू हमें पता है, रूट टू की वैल्यू पता है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो रूट टेन की वैल्यू है 3.162 प्लस 1.414, रूट टू की वैल्यू कितनी है 1.414, दोनों का सम कर लेते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें टू से डिवाइड कर देंगे। तो देखो टू और फोर कितना हो गया सिक्स, सिक्स और वन सेवन, वन और फोर फाइव, पॉइंट थ्री और वन फोर डिवाइड बाई टू। अब इसको डिवाइड करो, टू टाइम डिवाइड हुआ पॉइंट फाइव में, टू टाइम डिवाइड होगा फोर, फिर वन बचा, फिर एट टाइम डिवाइड हुआ 16, फिर कितना बचा वन, फिर कितना हुआ एट। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 2.288। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप ये प्रॉपर डिवाइड करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड किया। तो देखो सेम यहाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो देखो रूट फाइव से क्या करना पड़ेगा,
हमें दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो क्या करें, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, रूट फाइव को रूट टू से करेंगे रूट टेन, माइनस रूट फाइव को वन से करेंगे तो रूट फाइव, डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा फाइव। तो अब ऊपर देखो रूट टेन कितना है 3.162, माइनस रूट फाइव कितना है 2.236 और डिवाइड बाई फाइव। तो देखो ये टू में से सिक्स माइनस करना है तो टू में से तो होता नहीं, इधर से एक बोरो को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस सिक्स कितना आएगा सिक्स, इसके पास कितना बच गया फाइव, फाइव माइनस थ्री करेंगे तो टू, फिर यहाँ कितना है वन, वन में से तो टू माइनस नहीं होता, इधर से एक बोरो करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेवन, इलेवन में से टू गया तो 9.0 और नीचे कितना है फाइव। अब इसको हमें डिवाइड करना है तो क्या करें, तो जीरो पहले स्टार्टिंग में पॉइंट आ गया, नाइन में वन टाइम होगा बच्चा फोर, फोर के आगे टू लगाएंगे 42 हो गया, फिर फाइव एट जा 40 होता है, फिर टू बचेगा, फिर 26 हो गया, 26 हो गया तो क्या हो जाएगा आगे 26 में फाइव टाइम जाएगा, फाइव से 25 होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 0.186। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको आप खुद डिवाइड करके देखना। तो ये चारों एग्जांपल्स हमारे क्या थे इस वाले क्वेश्चन के, तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले रैशनलाइजेशन करने के बाद में फिर वैल्यू पुट करी, अगर पहले वैल्यू पुट कर देते तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता और हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा एक सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसमें वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालना ज़्यादा आसान है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करें, तो अभी तक तो हमारा डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर था, अब क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी इस टाइप का कुछ बन जाए तो इसको कैसे सोल्व करें, तो दो क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं चार पांच क्वेश्चंस आप लोगों को और करवाऊंगा। तो देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रैशनल डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को हमें क्या लाना है रैशनल बनाना। अभी देखो इरेशनल दे रखा होगा, ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है इरेशनल, तो ये ओवरऑल पूरा क्या है इरेशनल है। तो अभी अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया कि अगर कहीं पे बीच में प्लस है तो इरेशनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट साइन वाले से क्या करना पड़ेगा हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ऊपर भी 3 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 माइनस रूट टू से, ये 3 माइनस रूट टू यहाँ पे रैशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है किसका 3 प्लस रूट टू का। अब ऊपर देखो क्या होगा 3 माइनस रूट टू को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई ऐसे कैसे आ गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 3 माइनस रूट टू और नीचे कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 और रूट टू का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस रूट टू और नीचे 9 माइनस टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर अगला करते हैं, तो देखो ऊपर 16 है तो ऐसे कैसे चलेगा वो, तो नीचे 14 माइनस फाइव है तो अब इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 14 माइनस फाइव है तो प्लस वाले से क्या करना पड़ेगा, सॉरी 14 नहीं है 41 है, ठीक है 41 है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 41 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज़ और नोटिस करना कि यहाँ पे ओनली 41 के रूट है, 5 पे नहीं है ध्यान रखना, तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रैशनलाइजेशन फैक्टर है किसका इसका, तो ऊपर देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, तो इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा 16√41 प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 16 × 5 = 80, बीच में प्लस था तो प्लस, नीचे देखो 41 रूट 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ऊपर तो कितना बन गया 16√41। आप चाहो तो एक काम करो इस 16 को इससे मल्टी, या चलो कर दिया मल्टीप्लाई तो कोई बात नहीं है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते, एक काम करता हूँ मैं इसमें से 16 कॉमन ही ले लेता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ तो 41 बचेगा, यहाँ क्या था 5, इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आप लोगों को अगले स्टेप पे पता चल जाएगा। देखो रूट 41 का स्क्वायर कितना होगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर 25, जब नीचे आगे सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर तो कितना है रूट 41 प्लस 5 और नीचे 41 माइनस 25 करेंगे तो 16 बन जाएगा और 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो पहले एक काम करा करो एक स्टेप में इसको बिना मल्टीप्लाई करे लिख दिया करो, हो सकता है कि नीचे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बने जो आगे ऊपर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए वो कैंसिल हो जाए, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया रूट 41 प्लस 5। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। ये चार क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो देखो ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोला है 30 अपॉन
फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट फाइव, इसका हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे थ्री का भी रूट है, फाइव का भी रूट है, यानी इस पूरे टर्म ये इससे भी रेशनलिटी को हटाना है, इससे भी हटाना है। तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर नीचे नेगेटिव साइन दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इससे इरेशनलिटी को हटाने के लिए, नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट फाइव, ऊपर भी कितना होगा, फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट फाइव, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये जो फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट फाइव रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है, किसका, इस वाले का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये थर्टीन दोनों से होगा। तो मैंने बताया कि कोशिश करो कि इसको पहले ऐसे ही लिख लो, कि हो सकता है कि आगे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा बन जाए जो आगे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले एक स्टेप में तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब जैसे ही ये बनाओगे, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का b का स्क्वायर हो जाएगा। a यानी कि फाइव रूट थ्री का स्क्वायर माइनस b यानी कि थ्री रूट फाइव का स्क्वायर। भाई a कितना है, फाइव रूट थ्री, माइनस आएगा बीच में, b कितना है, थ्री रूट फाइव का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ऊपर तो क्या बना, थर्टी मल्टीप्लाई फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट फाइव, और नीचे देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ क्या होगा, पाँच का भी स्क्वायर होगा, रूट थ्री का भी स्क्वायर होगा। पाँच का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव। रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री। तो ट्वेंटी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेवेंटी फाइव। माइनस यहाँ पे थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन। रूट फाइव का स्क्वायर होगा फाइव, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। तो देखो नीचे आगे सोल्व करोगे तो वो कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में करना है आप लोगों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्टी हो जाएगा, सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव, और इस थर्टी से ये थर्टी रिमूव हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा, फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट फाइव, इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप लोगों को इससे पहले के दोनों लेक्चर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो अब सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या है, ऊपर भी दो टर्म्स आ गए, तो उससे हमारे को कोई मतलब नहीं, हमें जो बेसिक स्टार्टिंग करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, और अपने आप जैसे जैसे अगली स्टेप्स आएगी तो ऑटोमेटिकली सोल्व होता जाएगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे कितना, टू रूट टू माइनस रूट थ्री है, तो टू रूट टू प्लस रूट थ्री, और टू रूट टू प्लस रूट थ्री से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर अगले स्टेप में क्या लिखें, अब देखो ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, टू रूट टू का स्क्वायर माइनस बी यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ऊपर क्या है, देखो ये वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये वन भी क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले रूट थ्री को इन दोनों से करते हैं, तो रूट थ्री को रूट टू से करेंगे, रूट सिक्स, और साथ में टू भी है, तो कितना आएगा, टू रूट सिक्स प्लस। रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो कितना बन जाएगा, थ्री, फिर प्लस। फिर वन को इन दोनों से करेंगे, वन को इससे करेंगे तो टू रूट टू, फिर वन को इससे करेंगे तो रूट थ्री। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पहले रूट थ्री को दोनों से मल्टीप्लाई करना, फिर वन को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअल में ब्रेकेट में है, ये समझ लो, ठीक है। ये पूरा टर्म है, ये पूरा एक सिंगल है। फिर नीचे क्या करेंगे, तो देखो ऊपर तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, कोई लाइक होता तो ऐड कर सकते थे, कोई भी लाइक नहीं है, तो ऐसे कैसे चलने देंगे। मैं डैश डैश कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा कैसा रिपीट होगा यहाँ पे। नीचे कितना होगा, देखो टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का टू, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट, माइनस रूट थ्री का थ्री, तो नीचे कितना आ जाएगा, फाइव, फाइव आ जाएगा, एट माइनस थ्री। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, टू रूट सिक्स प्लस थ्री प्लस टू रूट टू प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय फाइव, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, तो इसको टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री प्लस थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे तो क्या बन जाएगा, टू रूट फाइव माइनस थ्री, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर क्या होगा, पहले इसको इन दोनों से करना पड़ेगा, फिर वन को दोनों से, तो वन को इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, टू रूट फाइव प्लस थ्री, ये आ गया। इसको इससे करें तो देखो थ्री को टू से किया सिक्स, रूट टू को रूट फाइव से करेंगे रूट टेन, तो कितना बना, सिक्स रूट टेन प्लस। फिर थ्री रूट टू को थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, और रूट टू ऐसे कैसे आ गया। अब ऊपर कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। ऊपर वाले को ऐसे कैसे नोट कर देता हूँ मैं एक स्टेप में, तो डैश डैश
ठीक है, 11 नहीं है, ध्यान रखना है। नीचे देखो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 5 का 5 होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 डिवाइड बाय 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, तो देखो 6 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4√2, तो नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से क्या करना है हमारे को, डिनोमिनेटर वाले के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 6 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 6 प्लस वो 6 माइनस 4√2। देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या बन रहा है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यानी दो बार आ गए, तो हम इसका क्या बोल सकते हैं, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, तो होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अब ऊपर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, बीच में माइनस है तो माइनस वाली लगेगी, तो ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4√2 स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे 4√2। नीचे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, √2 का 2 होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ऊपर देखो यहाँ कितना होगा 36 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √2 का 2 होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस, देखो यहाँ पे 26 जा 12, 12 4 जा 48 और √2 और डिवाइड बाय नीचे देखो कितना आ गया 4 आ गया। अब ऊपर देखो इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो गया 868 हो जाएगा, माइनस 48 √2 डिवाइड बाय 4। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 17 बचेगा, माइनस 12√2 और नीचे कितना है 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 17 माइनस 12√2। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर हो गया। इसको आप अच्छे से समझिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा रैशनलाइजेशन का पार्ट 1 खत्म होता है, जो कि हमारा लेक्चर 7 था। लेक्चर 8 में भी हम लोग रैशनलाइजेशन ही पढ़ेंगे और लेक्चर 9 भी हमारा यही होगा, लेकिन दोनों में हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के अब हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कभी ना कभी NTSC में पूछे हुए हैं, और उनको करने में हमारे को थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हो, आगे आने वाले किसी लेक्चर में आप लोगों के सभी डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।